हाय फ्रेंड्स, मैं सरोज। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम और एक न्यू चैप्टर के क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो कि पॉलीगन चैप्टर में से है। इस चैप्टर में भी ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं है, पर एक दो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो चलिए सीधे क्वेश्चन आंसर देखते हैं। फ्रेंड्स, और एक बात, इससे पहले कि क्वेश्चन आंसर शुरू करें, वीडियो को आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आपसे मिस ना हो। क्वेश्चन नंबर 1051, नेम द प्लेन फिगर बाउंडेड बाय मोर देन फोर साइड्स, चार से अधिक पक्षों से बंधे हुए साधारण छवि का नाम बताएं। ऑप्शन ए पॉलीगन, ऑप्शन बी ट्राइंगल, ऑप्शन सी रेक्टेंगल, ऑप्शन डी सर्कल। फोर साइड्स, चार से ज़्यादा साइड्स होने पर उसको पॉलीगन कहा जाता है। आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1052, स्टेट द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द एनक्लोज्ड एंगल, संलग्न कोण को खोजने का सूत्र बताइए। ऑप्शन ए 180 - 360/n, ऑप्शन बी 180 + 360/n, ऑप्शन सी 360/n, ऑप्शन डी 360 × n/2। जो एनक्लोज्ड एंगल का फॉर्मूला होता है वो होता है ऑप्शन ए 180 - 360/n, 180 - 360/n। एनक्लोज्ड एंगल मतलब, देखिए, ये हो गया एनक्लोज्ड एंगल और ये होता है एक्सटीरियर एंगल। क्वेश्चन नंबर 1053, स्टेट द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द एनक्लोज्ड एंगल, ये तो अभी ही बोला, इसका रिपीट एंगल क्वेश्चन हो गया है। अच्छा, चलिए इसको हम एक्सटीरियर एंगल कर देते हैं। एक्सटीरियर एंगल हुआ, ठीक है। ये मतलब बाहरी कोण, बाहरी कोण के लिए क्या होता है फॉर्मूला, 360/n। सीधे आंसर बता देता हूँ, आंसर इज ऑप्शन सी 360/n। क्वेश्चन नंबर 1054, हाउ विल यू कैलकुलेट ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइज अक्रॉस फ्लैट टू फ्लैट, फ्लैट से फ्लैट, यानी देखिए ये हो गया एक हेक्सागन, यहाँ से यहाँ, ये फ्लैट से ये फ्लैट तक नापने के लिए क्या फॉर्मूला यूज होते हैं। ऑप्शन ए √3a, ऑप्शन बी 2a, ऑप्शन सी 4a, ऑप्शन डी √3a/2। आंसर इज ऑप्शन ए √3a/2, आंसर होगा ऑप्शन ए √3a/2। क्वेश्चन नंबर 1055, हाउ विल यू कैलकुलेट ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइज अक्रॉस फ्लैट टू फ्लैट, अच्छा ये भी डबल हो गया है, ये कॉर्नर टू कॉर्नर होना चाहिए था, इसको कॉर्नर टू कॉर्नर कर देते हैं, कॉर्नर टू कॉर्नर, क्वेश्चन गलत था, ठीक है आप करेक्शन कर लीजिए। हाउ विल यू कैलकुलेट ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइज अक्रॉस कॉर्नर टू कॉर्नर लिख लीजिए, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी 2a, वो तो हो गया जैसे फ्लैट टू फ्लैट देखे थे पिछले, ये हो गया कॉर्नर टू कॉर्नर, एक ठीक से बना नहीं हेक्सागन,
उसी का ही ये कॉर्नर्स टू कॉर्नर रूट टू ए होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1056, हाउ मेनी साइड्स ऑफ ए रेगुलर हेप्टागन, हेप्टागन का कितना साइड्स होते हैं? पेंटागन 5, हेक्सागन, ऐसे सब कुछ होता है उसका साइड। ये बना नहीं, ये 5 हो गया, छोड़िए इसको काट देते हैं। ये कितना हो, 1, ये कितना साइड है इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6 साइड, यानी ये हेक्सागन। हेप्टागन में कितना होगा, 7 साइड, यानी और एक बन जाएगा वैसे ही। आंसर इज ऑप्शन सी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक ऐसे 7 हो जाएंगे। मैं बना नहीं पा रहा हूँ ड्राइंग ठीक से। 1, 2, 3, 4, 1, 5, 6 हो गया, और गया ऐसे लगा देते हैं 7, छोड़िए 7 साइड होते हैं, इतना ही याद रखिए। नेक्स्ट फ्रेंड्स, इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं है, खाली दो ही फॉर्मूले और कौन सा किसको बोलते हैं, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, डोडेकागन, ऐसे सब। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे। थैंक यू।